कैसे बजा गयो अनेक रंग से होली भी लिखी है और दादरा इत्यादि। थोड़े से उसको ऊपर बैठक के जो तो एक तरीका था पहले तो कि स्टेज तो नहीं था, चारों तरफ लोग बैठते थे और अगर आपने यहाँ एक तो घूंघट किया तो पीछे से आवाज आती थी, इधर भी तो उधर से आवाज आई तो उधर भी, मतलब चारों तरफ लोग बैठते थे एक तरफ नहीं और सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे खींचक गए, उसी के बीच में नाचना है। ऐसा माहौल, गलीचा बिछा है, चांदनी बिछी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। आजकल के जैसे नखरे होते हैं ना कि स्टेज ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा हम लोग कहाँ नखरे करते थे बचपने में। और ये बड़े बड़े पंखे हाथ से हाँके जा रहे, उससे भी हाथ बचाओ। लाइटिंग हो रही, ऑयल लैंप लगा के यूँ दिखा रहे हैं, उससे बचिए फिर नाचिए। तो बड़े कष्ट से अब तो ये देखिए जो इंतज़ाम हो गए आपका आवाज़ पहुँचाने के, बड़े सब नए नए ढंग हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, वरना कहाँ था। महाराज की एक होली गाते, होली में राधा कह रही है मैं तो खेलूंगी उन्हीं से, सबसे नहीं खेलूंगी, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइयां लेके अबीर गुलाल कुमकुमा। अब कुमकुमा का जमाना नहीं रहा, कुमकुमा होता था। लेके अबीर गुलाल कुमकुमा रंग से भरी पिचकारी गुइयां, अरे मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइयां, उनसे खेलूंगी। तो इस होली को मैं आपको सुनाता हूँ। ये थोड़ा सा ये जो चीजें होती है ना, ये हम लोग को भाव बताने के लिए ना, बड़ी कृष्ण की जगह ये आ जाता है, बड़ा परेशानी होती है। चलिए अब आवाज तो पहुंचनी चाहिए ना। पर मैं तो खेलूंगी, हाँ जी मैं तो खेलूंगी उन्हीं से हारी गुइयां, मैं तो खेलूं उन्हीं से हारी गुइयां, मैं तो खेलूं उन्हीं से हारी Hey।
नहीं गोरी गुया मैं तो खेलूंगी।